हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू मीट यू अगेन आफ्टर सो 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 मेनी डेज. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द हॉल ऑफ मिंत्रास हैंड बैग्स. सो आई हैव टू बैग्स विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा, जिसमें से एक नॉर्मल साइज का है एंड अदर वन इज क्वाइट बिग. सो डोंट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम मास्ट एंड हार्बर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं M&H. जैसे H&M होता है वैसी M&H हमने खुद ही बना लिया. सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस एंड एज यू कैन सी जो इसका कलर है वो ब्लैक एंड बेज कलर है एंड इट्स मटेरियल इज PU एंड इट्स विथ एंड हाइट इज 31x26 cm, मीन्स 31 SA और 26 SA. So it has zip closure like this and one detachable strap which is very important for those जिनको ऐसे कुछ इस तरह से हैंड बैग्स को कैरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ. इसका जो मटेरियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. इसको मैंने परचेस किया था 4 to 5 months पहले, और जो लो क्वालिटी के जो पर्सेस होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो कुछ ही टाइम बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है. बट इसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी देखकर पता लगा सकते हो कि जो इसका मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी जो जिप्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही हैं, मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. एंड इसके ऊपर जो आप ये टेक्स्चर देख रहे हो ना, ये देखो आप, सेम ऐसा ही टेक्सचर इसके पीछे भी दिया गया है जो इसकी खूबसूरती को, इस बैग की खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है. इट हैज़ वन मेन कंपार्टमेंट विच हैज़ वन स्मॉल इनर पॉकेट एंड टू मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर पॉकेट्स. इसके अलावा इसमें 3 pockets और हैं, एक यहाँ बैक में है और 2 यहाँ मेन कंपार्टमेंट के आगे और पीछे हैं, जो ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं. सो टोटल छोटी बड़ी पॉकेट्स मिलाकर दिस बैग हैज़ 7 pockets, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर टीचर्स, ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स. में आप काफ़ी सारा अपना स्टफ़ कैरी कर सकते हैं. ये एक A4 साइज़ की मेरे पास नोटबुक है, इसको मैंने इसमें डाला और इसके बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है. मतलब कि ये A4 साइज़ से भी थोड़ी सी जो बड़ी बुक्स या रजिस्टर्स वगैरह होते हैं ना वो भी इसमें आ जाएंगी. यस, इस बैग के और भी कलर्स हैं, आप यहाँ और यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट मुझे इन सभी में सिर्फ यही एक कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा. आप खुद देख पा रहे हो इसमें, मतलब कितना एक अलग सा, मतलब यूनिकनेस है ना थोड़ी सी. ये जो कलर्स है ना और भी देखने को मिल जाते हैं, वैसे देखने को तो ब्लैक भी मिल जाता है लेकिन ब्लैक की बात ही अलग है. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स प्राइस, तो इसकी जो MRP है वो 3799 है, बट जब मैंने इसको लिया था तब मुझे ये 1329 rupees का पड़ा था. और मज़े की बात तो ये है कि 5 to 6 days पहले की ही बात है, बस मैं ऐसी मिंत्रा यूज़ कर रही थी तो मुझे ये बैग दिखा और इसकी MRP पता है उस समय क्या थी? इसकी MRP थी 879, मतलब 900 rupees में भी, मतलब 900 rupees से भी कम में आपको ये बैग मिल रहा था. तो ऑनलाइन किसी भी चीज़ के प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. शायद मुझे महंगे में पड़ा हो और आपको सस्ते में पड़ जाए, या फिर आपको महंगे में पड़े तो हो सकता है मुझे सस्ते में पड़ा हो. इट्स ऑल अबाउट लक. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट बैग. अब जो भी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको अपना पूरा घर संसार अपने बैग में कैरी करना बेहद पसंद है, तो उनको ये जो बैग है वो भी बेहद पसंद आने वाला है. वो इसलिए क्योंकि, चलो आप खुद ही देख लेना, खोलते हैं फटाफट से. कैन यू सी इट साइज? मैं तो पूरी ही छुप गई इसको दिखाने के चक्कर में. सो इट्स हाइट इज़ 30 cm, विड्थ इज़ 39.5 cm एंड डेप्थ इज़ 14 cm. मतलब कि 30 cm ऐसे और 39.5 cm ऐसे,
So this bag is from Allen Solly, which is very popular brand. इसको introduce करना या फिर इस brand के बारे में बताना फिजूल ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा popular brand है already. So this green textured shoulder bag with quilted handles has one main compartment which has four card holders, two pen organizers, three inner pockets and one laptop sleeves. And when you check its description on Myntra, they are claimed that this laptop sleeves can hold up to 16 inch laptop, but it is totally wrong because mera jo laptop hai wo 15 inches ka hai aur ye claim kar rahe hain ki up to 16 inches ka jo laptop hai wo isme jo laptop ki jo sleeves hai उसमें 16 इंच तक का जो लैपटॉप है वो आ सकता है. बट जब मैंने अपने लैपटॉप को इसकी लैपटॉप स्लीव्स में फ़िट करने की कोशिश की तो ये फ़िट नहीं हुआ. बट यस, अगर आप अपना लैपटॉप स्लीव्स के बाहर ऐसे ही रखना चाहो तो ये आराम से आ जाता है, एज़ यू कैन सी. एंड इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप खुद ही देख पा रहे हो, और मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच क्वालिटी का भी लग रहा है. और इसकी जो जिप्स हैं और ये जो मेटल क्वालिटी हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं. दोनों की ही जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये जो जिप्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही हैं. और इसकी जो ये जो मेटल पार्ट्स हैं ना, ये जो मेटल पार्ट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. एक्चुअली ये जो बैग है वो मुझे कल ही रिसीव हुआ है, तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करा तो मैं अभी बता नहीं सकती कि ये आगे जाके मतलब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या रहेगी, वो मुझे नहीं पता. बट अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैग लग रहा है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे. बस खराबी लगी तो मुझे यही कि इन्होंने 16 इंच अप टू 16 इंच का लैपटॉप आने के लिए लिख रखा है, बट इसकी स्लीव्स में रियल में 15 इंच का भी लैपटॉप नहीं आया. एक्चुअली ये जो बैग है वो ऑफिस बैग है, जैसा कि एलन सोली जो ब्रांड है उन्होंने लिख रखा है. अगर आप मिंत्रा पे चेक करते हो तो जो उसमें वीडियो होती है ना रिव्यू के लिए, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, उसमें उन्होंने लिख रखा है दिस बैग इज़ ऑफिस बैग. तो अगर लैपटॉप स्लीव्स में ही लैपटॉप आ जाता तो हमें और ज़्यादा स्पेस मिल जाती और ज़्यादा स्टफ़ को कैरी करने के लिए, और जो लैपटॉप की सेफ्टी थी वो भी बढ़ जाती. सो अगर आप भी इस बैग को ऑफिस पर्पज़ के लिए लेना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आप कैरी करके अपने ऑफिस में ले जा सकती हैं. क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं 9 घंटे के लिए तो हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, लंच बॉक्स होते हैं, बॉटल होती है, और भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा बहुत सारा सामान होता है, लैपटॉप होता है. तो ये बैग आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. बट मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप का साइज़ है वो 15 इंच से कम होना चाहिए, तभी आप इस बैग को लें. अदरवाइज़ आपका जो ये पर्पज़ है ऑफिस जाने का, ऑफिस के लिए ये लेने का, वो हल नहीं होगा. एंड यस, इसके भी इस बैग के भी 2-3 कलर और भी अवेलेबल हैं, बट इन सब में मुझे यही अच्छा लगा. और आपको भी शायद यही बैग का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये जो ग्रीन कलर है. मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, महंगे महंगे ब्रांड हैं, उनमें ही ये कलर मिलता है. और अगर हम इसके प्राइस की बात कर लें तो जो इसकी प्राइस है वो, जैसा कि आप यहाँ पे टैग भी है, इसका जो MRP है वो 3599 है, बट मुझे ये पड़ा है 1191 में. और हाँ, अगर आप मिंत्रा से रेगुलर शॉपिंग करते हो तो आपके पास मिंत्रा क्रेडिट करके कुछ क्वाइंस वगैरह होते हैं वो पड़े होंगे. तो अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, कोई महंगी चीज़ ले रहे हो, तो उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आप उस क्रेडिट को यूज़ भी कर सकते हो. एक्चुअल में ये मुझे 1200 कुछ का पड़ा था, बट 103 रुपये या 107 रुपये मेरे क्रेडिट में पड़े हुए थे, तो वो उसमें से माइनस हो गए, तो ये मुझे 1191 का पड़ा टोटल. सो बोथ बैग्स हैव सुपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड बोथ आर वेरी स्पेशियस.
बस थोड़ा बहुत ही अंतर है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और इसमें तो आप अपना पूरा घर संसार लेके जा ही सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, तो मैं इन दोनों ही बैग की जो प्रोडक्ट लिंक होती है वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप इसको इनमें से कोई भी बैग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, मैं आपको बैग दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिंत्रा के जो क्या बोलेंगे सर्च बार होता है उस पर जाके आप अगर फोटो अपलोड करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों ही बैग दिखा दिए हैं, आप इनमें से जो भी बैग लेना चाहते हो उन दोनों का ही स्क्रीनशॉट लेके आप मिंत्रा के सर्च बार में जाके फ़ोटो अपलोड करके इन बैग्स को सर्च कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। So that's all in this video today. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care.